अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सब का खैर मकदम है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही लजीज, बहुत ही लाजवाब सिख पराठा। जी हाँ, मुंबई स्टाइल में आज हम तैयार करेंगे सिख पराठा। खाने में बहुत ही लाजवाब और बनाने में बहुत ही आसान। तो चलिए झटपट से बनाते हैं सिख पराठा। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये देखिए, आधा किलो 500 ग्राम कीमे को मैंने अच्छे से वॉश करके छलनी पे रखा और दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल ली हूँ। अब यहाँ पर सिक कबाब का स्पेशल मसाला हम बनाएंगे, तो ये मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून कबाब चीनी। ये आपको मसाले के स्टोर में, बंसाली के स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। इससे बहुत ही अच्छा कबाबों में जायका आता है। साथ में मैं ले रही हूँ पीपली। इस पीपली को लॉन्ग पेपर भी कहते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं, अक्सर जब हम रेस्टोरेंट में खाते हैं सिक कबाब या जो मार्केट में खाते हैं, तो वो लोग इसे ज़रूर डालते हैं। इससे इसमें बहुत ही अच्छा जायका आता है, ये एक अहम टिप्स है। साथ में ले रही हूँ मैं 1 टीस्पून जीरा, 1 दालचीनी और साथ में 1/2 टीस्पून काली मिर्ची और 1 चुटकी अजवाइन। लेकिन अगर आप इन तमाम मसालों को ना डाल पाएं तो आप 1 टीस्पून गरम मसाले पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर अच्छे से इसे रोस्ट कर लेंगे और जब इसमें अच्छी से खुशबू आने लगेगी तो इसे हम मिक्सी में डालकर इसका बारीक सा पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, पाउडर हमारा तैयार है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून बेसन और 2 टीस्पून ही मैंने ली हूँ मैदा। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। इसे भी हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भून कर साइड में रख देंगे। तो ये देखिए, अच्छे से ये भून चुका है। अब ये हमारा कीमा है, 500 ग्राम्स कीमा है। बिल्कुल इसका पानी मैंने निचोड़ ली हूँ। इसका पानी निचोड़ जाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपके कबाब टूट जाएंगे। अब मैं ले रही हूँ इसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई और 1 टेबल स्पून धनिया कुटा हुआ, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और साथ में 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, जो हम पकौड़ों में डालते हैं वो सोडा मैंने डाली। इससे सीख हमारी जो है सॉफ्ट रहती है। अब यहाँ पे देखिए, 2 प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया और अब इसे किसी रुमाल या कपड़े में बांधकर इसका दबा के हम पानी पूरा निचोड़ लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसका पूरा पानी निचोड़ ली हूँ। इस तरह से करना बहुत ही ज़रूरी है, प्याज का पानी निकल जाना। तो अब जब ये प्याज जो हमने निचोड़ लिया, इस प्याज को भी हम जो है सिक कबाब के मसाले में मिला देंगे और साथ में ये ग्राइंड किया हुआ स्पेशल सिक कबाब का मसाला और ये रहा हमारा भुना हुआ बेसन और मैदा। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे या चॉपर में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। ये देखिए, इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे तो आपके सिक कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इस टिप्स को आप ज़रूर याद रखें। और यहाँ पर मैं मिला रही हूँ 2 टेबल स्पून बटर। अगर आपने दरमियान में रख देंगे जलता हुआ कोयला और इस पर डाल देंगे थोड़ा सा बटर और इसे ढककर हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त हो तो आप ज़्यादा वक्त के लिए भी रख सकते हैं। मैं फिलहाल 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। 1 घंटा हो चुका है, ये देखिए, अब इस कोयले को हटा दिया हमने। अब इसमें डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने देखा होगा हमने इसमें नींबू का रस नहीं मिलाया है, क्योंकि नींबू के रस से अक्सर कबाब जो है टूट जाते हैं। तो अब हाथों में ऑयल है थोड़ा सा लेंगे और थोड़ा सा पोषण लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। हमें इन कबाब को बहुत मोटे मोटे नहीं बनाना है, बिल्कुल अच्छे से मीडियम साइज़ के। तो इस तरह पेंसिल का इस्तेमाल मैंने किया और पेंसिल पर इसे आसानी से आप लगा सकते हैं। पेंसिल हर घर में मौजूद होती है, तो आप आसानी से इस तरह से सिक कबाब बनाकर इस तरह हथेली पर रख के घुमा लें तो जो दरमियान में सुराख होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और उससे पकाते वक्त स्टीम जो है अंदर तक पहुँच जाती है और ये बिल्कुल अच्छे से अंदर तक कुक हो जाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हैं। इतने कीमे में हमारे तकरीबन 10 से 15 सिक कबाब बन जाते हैं। अब ये मैंने पैन गरम करने रखी, इसमें डाली 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल मैंने थोड़ा ही डाला है। अब इसे हम मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इन सिक कबाबों को अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह रखिए और इस तरह से आप अपने पैन को घुमाते जाएं तो ये सिक कबाब खुद ब खुद गोल गोल घूमते जाएंगे और चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से सेक जाएंगे। तो तकरीबन इन सिक कबाब को बनाने के लिए आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे। मैंने फ्लेम को स्लो कर दी हूँ। स्लो फ्लेम पर इसे हम चारों तरफ से घुमा घुमा के बिल्कुल अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से बस आप करते जाएं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं ये। और इसे हल्का सा प्रेस भी करते जाएं ताकि इसका जो शेप है वो बरकरार रहे और ये बिल्कुल अच्छे से सिक जाए। देखिए,
बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी सी कबाब हमारे झटपट से बन जाते हैं। तो इस बकरीद में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही झटपट से देखिए कितने अच्छे से, कितने प्यारे कलर के हमारे बन गए। जो हम मार्केट से लाते हैं बिल्कुल उसी तरह ये परफेक्टली हमारे तैयार हुए हैं, ये देखिए। तो पूरी पराठा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा। आप चाहें तो सिर्फ गेहूं के आटे से बना सकते हैं या सिर्फ मैदे से भी बना सकते हो। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, जो हम पकौड़ों में डालते हैं वही सोडा है। इससे पराठे बड़े ही अच्छे से फूलते हैं। और साथ में 2 टेबल स्पून ऑयल। और इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये मिक्स हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हम इसका बिल्कुल अच्छा सा आटा गूंद लेंगे। तो ये आटा जो हमें बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएंगे ज़रूरत के मुताबिक, और बिल्कुल परफेक्ट सा हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा डो जो है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहा है, ये देखिए। बस इस तरह से हम इसे गूंद लेंगे। तो ये देखिए पराठों का आटा मैंने अच्छे से गूंद लिया। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसे नहीं गूंदना है। अब इसे ढककर हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। बस इतनी देर काफ़ी है। 15 मिनट हो चुके हैं, आटा बिल्कुल अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट। तो अब क्या करेंगे, इसके हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े जो है बहुत छोटे नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें इसके थोड़े मोटे पराठे बनाने हैं। तो मैंने 4 पेड़े बना लिए। अब बस बगैर तह लगाए इसके हम रोटी बना लेंगे। जिस तरह हम चपाती की रोटी बनाते हैं, बस इसी तरह इस तरह इसकी रोटी बना लेंगे। पर बस ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा पतली ना हो। अगर आप पतले हो जाएंगे तो आपके पराठे जो है वो सॉफ्ट नहीं रहेंगे। तो ये देखिए बस इतना परफेक्ट है। अब इसे तलने की एक ख़ास ट्रिक है। तो ये ट्रिक देखिए ये है कि पहले इन पराठों को सेका जाता है और फिर फ्राई किया जाता है। तो चलिए ये देखिए, ये मैं पहले इस पराठे को हल्का सा सेक रही हूँ। ऐसा करने से पराठा अंदर से कुक भी हो जाता है, और जब इसे हम फ्राई करते हैं पूरी की तरह, तो ये ज़्यादा तेल ऑब्जर्व नहीं करते। मुंबई में हर जगह इसी तरह के पराठे मिलते हैं सिख कबाब के साथ खाने के लिए। तो ये मैं मुंबई की खास स्पेशलिटी सिख पराठा बना रही हूँ। ये देखिए बस इतना सेक लेना काफ़ी है। अब ऑयल अच्छे से हमने गर्म कर लिया है, और ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद ही इसे फ्राई करें। तो बस इसे फ्राई करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 2 से 3 मिनट मुश्किल से अलट पलट करके इसे हम फ्राई कर लेंगे। बहुत देर तक इसे फ्राई नहीं करना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसी तरह घुमाते जाएंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से फूल जाए, और इसे पलट के भी इस तरह से हम अलट पलट करके अच्छा सा कलर आने तक इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। ये देखिए बहुत ही मज़े के लगते हैं और बहुत झटपट तैयार होते हैं। अगर आपके घर कोई पार्टी हो या कोई दावत हो, तो आप इसे इन पराठों को सेक कर रख सकते हैं, और पार्टी के वक्त या सर्विंग करने के दौरान आप इसे गर्मा गर्म फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान था इसे बनाना। तो ये तैयार है हमारे गर्मा गर्म सेक पराठा। देखिए कितने लाजवाब से नज़र आ रहे हैं। तो चलिए इसे हम गर्मा गर्म सर्व करके आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो पहले इस पे मैंने डाल दी अच्छा सा नींबू का रस। वाह बहुत ही मज़े के। और ये देखिए ये हमारे पूरी पराठे बहुत ही लाजवाब। आप चाहें तो इन पराठों को टी टाइम के लिए चाय के साथ भी ऐसे ही खा सकती हो, और सीख के साथ तो इनका क्या कहना, बहुत ही बेहतरीन इसका जोड़ होता है। तो ये देखिए बहुत ही मज़े के लग रहे हैं ये दही और पुदीने की चटनी के साथ। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक करें। अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखें, साथ में हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।